अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो के टाइटल है हाउ लॉस लाइक ऑफिसर फॉर मिशन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्शन पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो अपने रॉ में, क्योंकि रॉ क्योंकि फुल सीक्रेट है, कभी अपने ऑपरेशंस डीक्लासिफाई नहीं करते, तो हायरिंग के लिए भी, रिक्रूटमेंट के लिए भी कभी भी वो अपना एक स्टैंडर्ड नहीं सेट करते कि ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस में रॉ एजेंट्स के लिए जो फील्ड पे उतरते हैं, क्या स्किल्स एंड क्या एबिलिटीज और क्या साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क वो चाहते हैं कि वैसे बंदे हमें मिले? हम चाहते हैं कि हमारे को ना एक ईमानदार आदमी मिले सर। पहले तो सर मैं आपको बताऊं कि ब्रेव, इंटेलिजेंट, एवरीथिंग, हाँ, मैं उसको दुनिया के सारे स्किल सिखा दूंगा सर। Right. मुझे इंसान अच्छा मिलना चाहिए। हाँ. आप मुझे एक ईमानदार आदमी दे दो, 6 महीने के बाद उसको ब्रेव भी कर दूंगा मैं। Okay. उसको बेस्ट फायरर भी बना दूंगा। हाँ. लेकिन आदमी ईमानदार चाहिए फर्स्टली तो सर। सो इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदार सर, सबसे पहले अपने काम को लेके वो ईमानदार हो सर, अपने देश को लेके ईमानदार हो। हाँ. सर मुझे नहीं चाहिए कि दुनिया का सबसे बहादुर आदमी और वो ईमानदार ना हो। क्या करूंगा उस बहादुरी का, वो कल मेरे अगेंस्ट आ जाएगा। राइट राइट राइट। तो मुझे ईमानदार आदमी चाहिए सर। हाँ, हमारी एजेंसीज को सबसे पहले एक ईमानदार देशभक्त इंसान चाहिए, ना हो ब्रेव। हाँ, मैंने आपसे क्या बोला, 3 महीने के बाद आप सोच भी नहीं सकते मैं इसी आदमी से मिला, मैं उसे दुनिया का सबसे ब्रेव बनाकर दिखा दूंगा आपके सामने। Okay. उसको ना आता हो एक भी 9mm पिस्टल चलाना भी। हाँ, हाँ. जब वो आपसे 3 महीने के बाद मिलेगा तो रॉकेट लॉन्चर भी 1000 मीटर पर फायर मार रहा होगा वो। फर्स्टली एक ईमानदार आदमी सर। Okay. बाकी ट्रेनिंग के सारे स्किल्स वो ट्रेनिंग का पार्ट है सर। देखो कि मेरे लिए मेरी ट्रेनिंग बहुत ईजी है। अगर आप मुझे बोलो यार कि अभी लगती तुझे यार क्या कहते हैं एक ऑपरेशन करना है, मतलब डॉक्टर वाला। हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार सर। हाँ, मुझे तो बॉडी का पार्ट भी नहीं पता ढंग से। हाँ, चीजें नॉर्मली तरीके से। तो हर आदमी के लिए उसका काम इजी है सर। राइट। मेरे लिए बहुत इजी है कि 1000 मीटर पर किसी को हेड शूट करना, मेरे लिए बहुत इजी है कहीं से जंप मारना, मेरे लिए बहुत इजी है भागना, फायरिंग करना, क्योंकि मैं वही सीखता हुआ आया हूं। तो जो ट्रेनिंग का हिस्सा, कि ट्रेनिंग के अंदर जब एक लड़का तैयार होता है सर, विद इन 2-2.5 साल के अंदर जब एक तैयार होता है, जब उसको पहले दिन आप देखोगे ना और जब लास्ट दिन देखोगे, तो लास्ट दिन देखने के बाद इतना परफेक्ट होता है वो। हाँ, आप 10 लोग आ जाओ एक ही कपड़े पहनकर। हाँ, सामने से। हाँ, वो विद इन 2 मिनट के अंदर बता देगा आप में से लीडर कौन है करके। ओके। इतना मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता देगा। हाँ, एक एजेंट। हाँ, कि ये 10 लोगों में से सर जो 4th नंबर पर खड़ा हुआ इनका लीडर है। सो लीडर को कैसे पहचानते वो है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरा देख के, आपका कॉन्फिडेंट देखकर, या तो आप जानबूझ के लो करने की कोशिश करोगे या बॉडी में दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, हाँ, क्लियर है सर। हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता देगा कि आप लीडर हो करके। ओके। और बाकी लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं? बिहेव मैंने आपको बोला। हाँ, 10 लोग लाइन में खड़े कर दो। हाँ, सर। हाँ, उन 10, आपने कभी एक नॉर्मल आर्मी सोल्जर्स को देखा है सर? आप 1 लाख की भीड़ में बता दोगे आर्मी सोल्जर है, उसके ड्रेस पहनने का तरीका, उसका टर्न आउट से आप बता दोगे यार आर्मी सोल्जर है, हर चीज एकदम डिसिप्लिन से दिख जाएगा आपको। Yes. तो नॉर्मली तरीके से जो एक परफेक्ट एजेंट होगा दुनिया की किसी भी एजेंसी का, उसको सुपर स्किल्स हैं सर। मैंने आपको क्या बोला, 9mm पिस्टल से लेकर 84mm रॉकेट लॉन्चर तक, इसके बीच के जितने भी वेपन्स हैं सब वेपन्स में महारत हासिल होगी सर उसको। और मैंने आपको सब चीजों का एक ही चीज बताया, वो जिस डीएनए में जाएगा ना सर, उस डीएनए का बन जाएगा वो। अगर वो ऑटो वाले से होगा तो आपको लगेगा यार ऑटो वाला का जिगरी दोस्त है। ठीक है, अगर आप उसको अंबानी के साथ बैठा रहे होंगे कहेंगे इसको बिजनेस की तो पूरी नॉलेज है करके। सब करके आया सर, उसमें इतना हाई कॉन्फिडेंस, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं फर्क पड़ता कि सामने प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, उसको तब भी फर्क नहीं पड़ता सामने एक स्लम का एक आदमी बैठा हो जो मतलब बहुत मतलब दिनचर्या कर रहा है। वो जो दिनचर्या कर रहा है ना सर, उसको लगेगा यार तो मेरा ही भाई है करके। जो सामने अगर प्राइम मिनिस्टर लगे होंगे तो उनको लगेगा यार देश की जिम्मेदारी इसके ऊपर दे सकते हैं करके। राइट राइट। सो एजेंट जब चाहे अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बना सकता है। स्विच चेंज, जैसे आप लाइट चेंज करोगे तो स्विच चेंज कर लेगा सर। राइट राइट, बिल्कुल। सो ये जो रिक्रूटमेंट के लिए आपने बताया, ये सारे स्किल, सबसे पहले तो चाहिए होता है इंटेग्रिटी, लाइक उसका एक मॉरल ग्राउंड बहुत सही होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा भी लाइक पहली बात तो लाइक आप जब ही रॉ में गए तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था सर? देखो उस वक्त एक्चुअली क्या, मेरे तो ग्रैंडफादर, मेरी जितने भी, मैं डायरेक्ट R&W के लिए नहीं गया था मैं भी। मुझे भी नहीं पता था कि R&W वगैरह जाना है करके, शायद दुनिया में किसी को भी नहीं पता होता जब तक वो सारे सिक्योरिटी क्लियर ना कर ले। Okay. उसको पता ही नहीं होता कि आप एजेंसी के टेस्ट रन किए जा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्लियर करनी पड़ेगी करके। तो सर एक्चुअली क्या था, मेरे को तो खुद नहीं पता था कि मतलब R&W वगैरह कोई सीक्रेट सर्विस, मुझे भी खुद नहीं पता था। मैं नॉर्मली तरीके से मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड टोटल आर्मी से ही रहा है, मेरे ग्रैंड फादर आर्मी से, मेरे फादर आर्मी से। तो मैं पढ़ाई कर रहा था नॉर्मल 11th क्लास में,
तो नॉर्मली एक क्या है, एक इंडिपेंडेंस आर्मी के लिए नॉर्मली भर्ती आती हैं जिनके पहले से पेरेंट्स वगैरह आर्मी को सर्व किया है, सिर्फ वही जाएंगे इसमें, मतलब ये रैली उन्हीं की रहेगी जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई पेरेंट्स वगैरह जिन्होंने फोर्स को दिया है। मैं भी नॉर्मली तरीके से भर्ती अटेंड कर करा है नॉर्थ ईस्ट में, तो वापस आ गया। तो उस टाइम 11th में ही था मैं, 16 साल 3 महीने के समथिंग था। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी ये होंगे यार कि मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट देखने के बाद लोग बोलते हैं कि सर 16 साल से कैसे होता है, तो मैं उनको ये बता दूं भाई कि जब भी आप फोर्स ज्वाइन करते हो, आज भी आप 17 साल में ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन जब आप कसम खाओगे फ्लैग के नीचे, आपकी उम्र तब 18 साल होनी चाहिए। राइट, ठीक है, ट्रेनिंग चालू हो सकती है, ट्रेनिंग चालू कभी भी हो सकती है, लेकिन आप जब हमारे देश के अंदर जब आप झंडे के नीचे कसम खा रहे हो, ठीक है, तब आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर 16-3 कैसे, ये कैसे, तो उनको ये बोलना नहीं है भाई कि 18 साल के बाद तुम अप्लाई नहीं, तुम जब आर्मी के अंदर, तुम आज भी आर्मी में 17 साल का लड़का एंटर, जब 9 महीने के बाद या 11 महीने में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो 18 साल उसकी एज होनी चाहिए उस टाइम। तो सेम नॉर्मली तरीके से मैंने भी 11th में था, तो अटेंड वगैरह करके आया, तो वहाँ से आने के बाद मुझे दोबारा बुलाया गया, दोबारा मेडिकल हुआ, री मेडिकल हुआ, तो उसके बाद फिर मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे तो नॉर्मल आर्मी का ही है। तो देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार हमारे को एक जगह बुलाया जाता है, जब हम लोग गए थे तो उस टाइम तो लाखों लोग थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया हुआ था पूरे इंडिया से, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा, पूरे इंडिया से भर्ती निकली। जब हम अलग से हमारे को कुछ एक लोगों को बुलाया, बहुत कम लोग थे वहाँ, 7-8 हज़ार लोग ही थे बचे हुए। अब मेन नॉर्मल कुछ नहीं, अब पहली बार मुझे पता चला दुनिया में साइकोलॉजी टेस्ट क्या होती है करके, ठीक है। वहाँ 4-5 डेस्क में कुछ एक बहुत सीनियर ऑफिसर्स वगैरह बैठे हुए थे, कम से कम 1.5-2 घंटे का वहाँ इंटरव्यू हुआ सर। ये इन फ्यूचर में अगर कोई बंदा एजेंसी ज्वाइन करेगा तो ये उसका भी होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, बहुत बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और चरित्र इवैल्यूएशन उनके, मतलब वो आपको आपको लगेगा यार बहुत अजीब से क्वेश्चन है करके, अजीब से क्वेश्चन बोलेगा यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बोलेंगे यार भाई कि सबसे पहले बोलेंगे आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये वो, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप सब कुछ बोलते रहोगे। फिर थोड़ी देर के बाद उनका एक नॉर्मली क्वेश्चन आएगा कि कल आपको इस देश में, कल एक चीज़ ये बताओ कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आता, बोला तो आप, क्योंकि कल हम आपको इस देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं आपको गुस्सा आ जाएगा, आप बोले हर आदमी बोलेगा नहीं आता सर, क्योंकि इस टाइम उसको ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तो दुनिया में साला कितने भी गुस्से वाला आदमी हो वो ये बोलेगा नहीं, सब गुस्सा मेरे कंट्रोल में, बिल्कुल गुस्सा कंट्रोल में, मतलब कुछ नहीं। तो आधे घंटे के बाद ऐसे बोलेंगे कल आपकी शादी होगी, तो आप शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहोगे या नॉर्मल लड़की से करना चाहोगे, वो देखते हैं कि सोच के बोल रहा है या क्या कर रहा है करके, या कंटिन्यू दिल से बोल रहा हो, हर चीज को नोट करेंगे, इंस्टिंक्टिव जवाब है या एकदम सोच के सही गलत क्या है। थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि आप पढ़ाई को वैल्यू देते हो या किसी और चीज को वैल्यू देते हो, करते करते फिर बोलेंगे थोड़ी देर के बाद कि आपका बेटा भी, एक कल आपकी शादी होगी और आपका बेटा बिल्कुल इंडिया की क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना चाहे, खेलना चाहे, खेलने दोगे, तो आप बोलोगे, वो हर चीज मैच करेंगे। थोड़ी देर पहले करता पढ़ाई को, फिर बोल रहा था इधर, इसके क्वेश्चन उल्टे सीधे जा रहे हैं, मतलब ये वो नहीं है, एक लाइन में नहीं है, मतलब आप कोई इसका प्रिपेयर करके नहीं आ सकते, प्रिपेयर करके वो सिर्फ ये देख लेंगे लड़का क्या है करके, इसकी सोच क्या, इसकी सोच क्या है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे आप मार्केट में जा रहे हो करके, अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी बीवी का हाथ किसने पकड़ लिया, अब क्या करोगे उस टाइम, तो आदमी बोलेगा भाई 2-4 धर दूंगा करके, गाली दूंगा, थोड़ी देर पहले आपने बोला आपको गुस्सा नहीं आता, तो वो कहां का क्वेश्चन कहां निकालेंगे आप सोच नहीं सकते सर। और वो मतलब 2 घंटे के अंदर आपसे 500 क्वेश्चन पूछ चुके होंगे, वहां पर वही लड़का पास करेगा जो लड़का सही है, जो एक्चुअल में, जो एक्चुअल में है वो है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंडल्ज एंड एंजॉय। बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो, और यकीन माने मैं जब छोटा था तो मुझे आर्मी में जाने का बड़ा शौक था, और ये जेम्स बॉन्ड वाली मूवीज देख के ना दिल करता था कि कभी मैं भी एजेंट बनना, एजेंट बनूं। लेकिन मैंने पेपर दिए थे, पेपर पास भी किए थे, फिजिकल टेस्ट पास था, लेकिन वो ना आगे आगे जैसे पेपर बढ़ते गए, मैंने कहा भाई साहब ये ना रखना नहीं चाहते, मुझे कहीं ना लगा कि भाई यहाँ पर रिश्वत चलेगी, और जिसकी वजह से मैंने आगे वो ना जाने बंद कर दिया। मैंने कहा भाई इधर दाल गलने वाली है, तो मैंने भाई साहब ड्रॉप, हिम्मत नहीं आनी थी कुछ लास्ट, क्योंकि मैं पहले 2-3 दफा पेपर दिए, पास भी हो गया, इंटरव्यू दिया, तो मुझसे कम नंबर वाला भाई साहब नौकरी पर रख लिया गया, मेरे नंबर भी ज्यादा थे। सर ने ये बोला, इसमें सिर्फ ना मैं एक चीज ऐड करूंगा, इसमें 2 चीजें, जो आपकी ईमानदारी है, जो आपकी जो कंट्री है ना, सबसे प्यारी क्या चीज होती है, अपनी जान, ऐसी है ना, अपनी जान है तो बीवी बच्चे माँ बाप है, इससे भी ज्यादा आपको ऊपर मुल्क होना चाहिए। नहीं, जब बंदा रिक्वायरमेंट जो होती है इदारे में, किसी पोस्ट पे है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसकी जो
जरूर जिम्मेदारी होती है। जो एजेंसियां या आदमी उनकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले होता है आपका मुल्क, आपकी फैमिलीज है, ऑर्डर से ऑर्डर के ऊपर भी काम। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट दूसरी चीज है, अक्सर मैंने इस चीजों पे देख लू आपकी साइकी 90% आपकी साइकी पे होती है। मैं भी आर्मी के टेस्ट देकर आया हूँ भाई साहब, पता है क्या, ये जो कई लोगों के नामों के साथ कास्ट मेंशन होती है, जैसे सैयद, ये पठान, अलवी, वो जिनके नाम के साथ था ना, उनको नाम पढ़ते ही भाई वहां से वो वापस भेज रहे हैं। बाद में हमें पता चला कि भाई साहब उनके नाम में उनकी कास्ट आ रही थी, वो यहाँ से फर्क अपने नाम में फर्क लेकर आ रहे हैं, उनको देखो ये पहले स्टेप से ही उनको फारग कर दे के बेटा आप चलो आप नहीं चीजें। और सर ने जो बड़ी अच्छी बात की कि कोई भी बंदा काम करने वाला ना, या उन्होंने कहा इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ईमानदारी, तो ईमानदारी वही है भाई साहब के, जो काम जिस तरफ से भी करना है भाई सच्ची लगन और मेहनत के साथ करना है। होते ही अच्छा जरा सोच के देखो तारक साहब, अगर एक एजेंट बिकता है कंट्री को दांव पे लगाता है, और इतना बड़ा जब कंट्री दाव पे लगा हुआ है एक एजेंट की वजह से भाई साहब तबाही उतर गया, तो फिर वो किस बंदे को चुन के लाएंगे? तो ये एजेंसियों को मैं कहता हूं जो चुन के लाते हैं एजेंट को है। मैं कहता हूं मैं तो इनको ये कहूंगा वो आम ह्यूमन बीइंग है, नहीं आम इंसान है, और उनका जिस तरह सर बता रहे हैं वो सवाल ऐसे ऐसे पूछते वो बंदे को मतलब मजबूर कर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो फंसे फंस जाता है। अगर जेन्युइन होगा तो भाई जो वो सच्चाई होगी वो ही बताएगा, अगर कोई दिखावा कर लेगा तो वो एक ना एक बात पे उसमें मतलब ये कि जो उनकी अंदर की प्योरिटी है ना सब पे ज्यादा नजर उनकी उस पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोई दो राय नहीं है। और भाई जो पहचान लेते हैं आदमी की जो सिलेक्शन होती है ना, जैसे आप कह रहे ऐसे होता है, खासकर अलवी मिर्जा ये पांच चीज करते, लेकिन जो जो एसएसजी ग्रुप जो इंटेलिजेंस होते हैं ना इनके लिए तो कोई हजारों में से एक ही कुछ नसीब, एक आधा लाखों में होना है, लाखों में। लेकिन भाई हमने वो ना जो स्पेशल फोर्स बनती है उसकी कमांडोज की ट्रेनिंग देखी है, ट्रेनिंग भी बहुत मुश्किल होती है। और भाई ये चीज ऐसी सिखाते हैं, वो मूवी देखी थी ना जेम्स बॉन्ड वाली, उसमें देखा था भाई तो वो कभी बिजनेसमैन के साथ बैठा है, कभी किसी के साथ बैठा है, हर बंदे के साथ वो घुल मिल जाता है, युवा खेलना शुरू हो जाता है। मैंने अगले दिन एक वीडियो देखी है, पिछले दिन थोड़े दिन हो गए हैं, तो वो ना आदर फडवी साहब थे उस टाइम हमारे जो सबका ना सदर, उन्होंने ना एक बंदे को दिया था ऐसे सितारा इम्तियाज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का, वो मर्दान में या केपीके में ये दहशतगर्दी वगैरह होती है, उस बंदे ने ना आईएसआई का एजेंट था, 9 साल वो उस एरिया में भिखारी बनकर किसी को पता ही नहीं था, उसकी वीडियो मैंने देखी है मेरे पास थोड़ी, उसकी हालत ऐसी थी जैसे पता है वो भिखारी का जो उसने रेपुटेशन असल देख रहा था यार। मैं तुम्हें कटिंग ऑफ गर्ल्स ये 9% है जिस दौर में जीत डाल रहे हैं पाकिस्तान में जी, अगर वहां का वो पता नहीं वो पीएम थे नहीं जिन्होंने कहा था पाकिस्तान को कि भी हमें खबर हो चुकी है कि आप न्यूक्लियर वेपन की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले तो फिर इन्होंने जांच पड़ताल शुरू की तो इन्होंने पकड़े, तो पहले तो खबर ही नहीं थी कि कभी कभी सियासतदान भी डेढ़ साल बन के ना मरवा देता है अपने एजेंट को, तो उसने ही मरवाया था ना फिर। हाँ, वो मेरे ख्याल में इंदिरा गांधी के बाद जो बने थे ना प्राइम मिनिस्टर उनकी वजह से भाई साहब मरे थे, काफी मरे थे जब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये जिंदा बात भाई, बात ये है कि अगर 100 रस्ते होते हैं ना फंसने के लिए तो 110 रस्ते इनको निकालने के लिए उन्हें बताए होते हैं। सारा कुछ क्लियर किया कि दो चीजें होती है आपकी ईमानदारी आपकी साइकोलॉजी बर्दाश्त, जब अगर कभी ये पकड़े भी जाए ना वो इनके नाखून तक निकाल लेते हैं लेकिन ये कुछ बताते नहीं, ये भी चीज मर जाते हैं और इनको सजा मर जाते हैं भाई कंट्री के खुफिया। और इससे बड़ी बात जो होती है अगर ये पकड़े जाए ना
कंट्री का और एजेंट का कोई रिश्ता नहीं है, चाहे सबसे बड़ा पहले ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है भाई साहब। चलें जी ठीक है भाई, वो फोर्स मूवी में मेरे ख्याल में देखा था, फोर्स में होते ही है, अक्सर ही होता है, जॉन अब्राहम की उसमें होता है, पठान में भी होता है। चलें जी ठीक है भाई, एजेंट जो है वो साफ जा रहा है कि जब वो नौकरी पे आते हैं तो उनको यही बोला जाता है कि भाई सारी आपकी जो जिंदगी है ना, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री के लिए, और साफ जा रहा है कि भाई उसमें जान का जोखिम भी होता है, फैमिली छोड़नी पड़ती है, तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती है, खुद की फैमिलियों को नहीं पता होता भाई। वो सब बता रहे हैं, ये तो हमारा बंदा ही नहीं। ये एक ऐड में बात कर रहा हूँ जो सर ने की थी, इसमें से बड़ा पॉइंट था कि उनकी ये ट्रेनिंग करते रहते हैं, एंड पे उनको पता लगता है कि हमें ये एजेंसी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, हमें से अगर 100 बंदा एक दो चाहिए, उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी करते हैं, भापते हैं अंदर से एंड तक देखते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमारी स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है या हम रेगुलर आदमी की ट्रेनिंग हो रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। चलें जी ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा देख के, और हमारी भाई एज गुजर चुके हैं कि हम एजेंट बनने से रहे, और इतनी बुद्धि भी तेज नहीं है, ये भी सच है। तो ठीक है भाई, अपने रुकते ही कमर तक में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत नहीं, अल्लाह।